वेलकम बैक। आज श्रीलंका और बांग्लादेश का होने जा रहा है मैच, और हमारे साथ है श्रीलंका से नवेरा और बांग्लादेश से मनाहिल। वेलकम। तो भाई कौन जीत रहा है आज? बांग्लादेश। श्रीलंका। अच्छा, इतनी कॉन्फिडेंट क्यों भाई? श्रीलंका कैसे जीतेगा? अच्छा, श्रीलंका वैसे एक वर्ल्ड कप जीता भी बाय पाकिस्तान में और लाहौर के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर ने उसको दी थी। तो वर्ल्ड कप वैसे भी हम लोग लायंस हैं, तो लायंस और किंग्स होते हैं, तो लायंस जीते ही जीतेंगे। एक सेकंड, होल्ड ऑन। इनका पॉइंट ये है कि श्रीलंका ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप जीत चुका हुआ है, तो इसलिए हमारी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है। व्हाट इज योर पॉइंट? मेरा पॉइंट ये है कि इन्होंने वर्ल्ड कप जीता, और पिछले तीन मैचेस जो श्रीलंका और बांग्लादेश के हुए, में से दो में श्रीलंका जीती है, एक में बांग्लादेश। लेकिन इस बार मुझे पूरा यकीन है कि बांग्लादेश जीतेगी, क्योंकि उनमें जोश है, जज्बा है कि वो कभी वर्ल्ड कप जीते नहीं, तो इस बार जरूर जीतेंगे। यानी अपनी वीकनेस को मनाहिल कह रही है, हमने स्ट्रेंथ बना लिया, क्योंकि हम कभी वर्ल्ड कप के जरा ऊपर के लेवल्स तक पहुंचना इतना नहीं तारीख हमें दिखाती, तो अब हमने अपने जोश और जज्बे से जीतना है। जी जनाब, ठीक है। तो आप बताएं, आपके पास क्या स्ट्रेंथ है आज टीम में? मेरे पास बहुत स्ट्रेंथ है, जो मेरा मलिंगा है वो बॉलर है, और मलिंगा जब यॉर्किंग करेगा ना, फिर पता चलेगा, जब लगेगी तो टांगे टूट जाएंगी, फिर कैसे चल सकोगे? शाकिब अल हसन को देखा, पिछले मैच में सेंचुरी भी बनाई थी, और अभी तक टॉप में है रन टेबल में। यस, शाकिब अल के हसन के बारे में तो वाकई मैं जरा एग्री कर रहा हूँ कि बहुत ही जबरदस्त। करुणा रत्ने ने ना 400 मारे में, आज फिफ्थ हो जाएगा। करुणा रत्ने ने 400 मारे में और आज फिफ्थ हो जाएगा। और हमारे ओपनर्स तमीम इकबाल और समय सरकार, देखा है जरूरत होती है तो छक्के चौके चढ़ाते हैं ओपनिंग में भी। वाह। अच्छा, मेरे मैथ्यूज को देखा है? मैथ्यूज तो दोनों चीजें कर सकते हैं, यानी कि बैटिंग भी और बॉलिंग भी। बैटिंग भी। अच्छा, वैसे मुझे ये, मेरा ये ख्याल है कि अगर आप दोनों को हम स्टेडियम में आज भिजवाते हैं, कि आप टीवी सामने यहाँ पाकिस्तान में बैठ कर, आप इंग्लैंड आपको भिजवाते हैं, वहाँ पे अगर आप बैठ के मैच देखें, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे जनाब? हाउ विल यू सपोर्ट योर टीम बांग्लादेश? मैं नारे लगाऊंगी, उनसे कहूंगी बांग्लादेश बांग्लादेश। और वैसे आपको पता है हमारा पॉजिटिव पॉइंट क्या है? क्या? कि बांग्लादेश के जो फैंस है ना, उन्हीं की वजह से तो बांग्लादेश भी अच्छा खेलते हैं, क्योंकि चाहे बांग्लादेश अच्छा खेले या ना खेले, वो बहुत जोश और जज्बे के साथ पूरा स्टेडियम भर देते हैं। Yes, जो बांग्लादेश के फैंस हैं, वो वाकई इस वर्ल्ड कप के अंदर नजर आ रहा है कि वो जब स्टेडियम के अंदर जाते हैं, तो जो पैशन और जो जोश बांग्लादेश के फैंस का है, वो कम अभी देखने में आया। और इससे क्या टीम को फायदा होता है? जब होता है, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे फैंस, वो हमारे लिए इतना प्राउड हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश चीयर कर रहे हैं, और हम इसी तरह हारते रहेंगे, तो फिर उनको क्या उम्मीद होगी? एग्जैक्टली। लेकिन आपको मैं बताऊं, बांग्लादेश इस वक्त अच्छा परफॉर्मेंस, जो क्रिटिकल एनालिसिस हो रहा है ना, वो बहुत जबरदस्त है। आप बताएं जी, आप अगर स्टेडियम में होंगी तो क्या करेंगी? मैं इतना 3 या 4 माइक्स लूंगी, इतनी जोर से कहूंगी श्रीलंका श्रीलंका। इसलिए हमने तो विन किया हुआ है, तो हमें पता है कि विन कैसे होता है। यस, हमने विन किया हुआ है, तो हमें पता है कि विन कैसे होता है, और जब जीतते हैं तो उसको सेलिब्रेट कैसे करते हैं। जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त तैयारी है दोनों टीमों की, श्रीलंका की भी, बांग्लादेश की भी। लेकिन अब देखते हैं, आज पता लगेगा कि कौन जीतेगा। बस ये बारिश ना आ जाए, तो बारिश जो आ जाती है ना, और 1-1 जो हो जाता है ना, ये बड़ा बोरियत होती है इससे, है ना? तो इसलिए लेट्स सी हु विंस। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि द बेस्ट टीम शुड विन, जो भी ज्यादा अच्छा खेले। अच्छा, हमें नहीं पता कौन, हम लोग तारीफें करें एक दूसरे की टीम्स की, लेकिन शाम को पता चलेगा। बस मैंने कहा था ना कि टाइगर्स को हल्का नहीं लेना, टाइगर्स को पता है कि ग्राउंड में कैसे वापस आना है। एग्जैक्टली। लेकिन नवेरा ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि हम तारीफें कर रहे हैं एक दूसरे की टीम की। प्लीज आपने ये नाजरीन भूलना नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुजाहिरा देखा दोनों जानिब से, वो तारीफें थी एक दूसरे की टीम की, अपनी टीम की नहीं थी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच, हाई फाइव गुड लक। और एक वैसे मजे का बात है कि आज आप दोनों में से जो भी टीम जीती, विन एशिया की होगी, है ना? क्योंकि बांग्लादेश दोनों एशियन है ना? और मैंने एक मैसेज करना है। आपने मैसेज करा है, कहिए जनाब। नाम इंतावलियातिवलियम। सॉरी, क्या नाम? इंतावलियातिवलियम। ये कौन सी लैंग्वेज है? ये है श्रीलंकन लैंग्वेज, और तमिल। जी, तमिल। आहा,
और इसका मतलब क्या जो इसका भी मतलब है दैट वी विल विन वी विल विन अच्छा दोबारा से कहना जरा नाम नाम इंता विल्याती विल्योम वाओ वेरी नाइस थैंक यू वेरी मच श्रीलंका थैंक यू वेरी मच बांग्लादेश ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ सबीना होंगी और सबीना हमें आज बहुत एक अहम मौजू पे बात करने वाली है और वो है जॉब स्विच अगर आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं या क्यों नौकरी बदलना जरूरी है या नौकरी बदलना जरूरी क्यों नहीं है इस मौजू पे सबीना जो एक्सपर्ट हैं इन सारे मामलात की वो हमें कुछ टिप्स देंगी मैं भी कुछ टिप्स लेने के चक्कर में हूँ मेरे प्रोड्यूसर नोट कर ले एक ब्रेक ब्रेक के बाद अभी मिलते हैं